तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू जिन्होंने अभी ट्वेल्थ पास करी है उन्होंने अगर अपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है जम्मू यूनिवर्सिटी में तो वो उनकी एडमिशन कैसे होगी। अगर आपने CUET में अप्लाई किया है या नहीं किया है, CUET का आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया है, वो सब कुछ आपका क्या रहेगा, सब कुछ पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। सबसे पहले 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो भी एफिलेटेड डिग्री कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 16 से लेके 22 तक जो CUET और नॉन CUET है इन्होंने अपने आप को जहाँ पे पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है एडमिशन लेने के लिए, और jkadmission.samaras.ac.in पर जाके आपने इसमें अप्लाई करना है। अब इसी के साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगा। राउंड 1 इसमें आपने क्या करना है, सबमिशन करना है। सबमिशन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद जो प्रेफरेंस फिलिंग होगी कॉलेज की वो CUET के रिजल्ट के बाद होगी, ठीक है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन होगी मेरिट और सीट एलोकेशन की, ये भी आफ्टर रिजल्ट आपको बताया जाएगा। CUET रिजल्ट के बाद जो कॉलेज प्रिपेयर करेंगे और वेबसाइट पे नोटिस लगा दिया जाएगा। उसके बाद CUET में जो अपग्रेड हुआ है CUET वाले जो कैंडिडेट एक्सेप्ट करेंगे सीट, अगर फेल टू एक्सेप्ट सीट तो सीट कैंसिल हो जाएगी। जब जो सीट को एक्सेप्ट करेंगे तो 2000 रुपया उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा जो CUET के रिजल्ट के बाद होगा। फिर फीस डिपॉजिट जब आप करोगे, फीस डिपॉजिट के बाद सीट को होल्ड करोगे तो आप सेकेंड राउंड में जाओगे। अगर सीट को कैंसिल करोगे जब फीट आपकी डिपॉजिट नहीं होगी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सेकंड राउंड में जो वैकेंट सीट होंगी वो CUET रिजल्ट बाद आपको दिखाई जाएंगी। फिर सेकंड एलोकेशन लिस्ट आएगी जो CUET रिजल्ट के बाद आएगी। उसके बाद आपने कैंडिडेट ने एक्सेप्ट करनी है सीट, अगर एक्सेप्ट नहीं करी तो कैंडिडेचर उसका कैंसिल हो जाएगा। सीट कंफर्म करने के बाद फिर स्पॉट राउंड 2 जो CUET के रिजल्ट के बाद आएगा, ये आपका सारा का सारा प्रोसेस रखा गया। सबसे पहले आपको 2 स्टेप इसमें जो रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर CUET रिजल्ट का वेट करना है। CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपने अपनी सीट है जो कन्फर्म करनी है। तो यही कुछ आपका था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।